चलो गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। चलो हम लोग कल पिछले क्लास में देखे थे कोरबा जिला, ठीक है, याद हुआ सबको? हाँ। आज हम लोग देख रहे हैं बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आने वाला रायगढ़ जिला। कौन सा जिला? रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिला, रायगढ़ जिला का निर्माण हुआ था 1948। गठन 1948, ठीक है, 1948 में से गठन। अब इसका मातृ जिला जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस समय रियासत था तो उस मध्य प्रांत में था, तो मध्य प्रांत में था तो उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में 1948 में तीन जिला बना था, क्या क्या? सरगुजा, बस्तर, रायगढ़, 1948 में, ठीक है। तो रायगढ़ जिला याद रखना है 1948। उसके बाद देखो सीमावर्ती जिला जानना है, सीमावर्ती जिला जानते हैं कि हमारा ये रायगढ़ जिला है कितने जिले को स्पर्श करता है, ठीक। इसके लिए मैप बना दूं? चलो देखो मैप बना लेते हैं। यह है आप लोग का रायगढ़ जिला। कौन सा जिला? रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिला याद रखना है। देखो इधर नीचे इसको अभी नया जिला बना है सारंगढ़ बिलईगढ़, ठीक है, नीचे स्पर्श करता है सारंगढ़ बिलईगढ़। एस बी लिख देता हूँ, एस से सारंगढ़, बी से बिलईगढ़। सारंगढ़ बिलईगढ़ नया जिला। इसके देखना पूर्व में याद रखोगे जसपुर जिला की स्पर्श करता है, फिर ऊपर में सरगुजा याद रखोगे, सरगुजा को स्पर्श करता है अपना रायगढ़ जिला। इधर हम लोग आ जाएंगे कोरबा जिला की स्पर्श करता है, फिर इधर बच गए आपका शक्ति नया जिला। पहले जांजगीर चांपा जिला की स्पर्श करता था, जांजगीर चांपा से अलग करके आपका नया जिला बना है शक्ति, जो कि हमारा छत्तीसगढ़ का नया भू अवस्थित एवं छोटा जिला, ठीक, शक्ति जिला स्पर्श करता है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है? ये 33वां जिला याद रहेगा, 33वां जिला। और बताओ तो ये सारंगढ़ बिलईगढ़ कौन सा जिला है हमारा? सारंगढ़ बिलईगढ़ आपका 30वां जिला, 30वां जिला सारंगढ़ बिलईगढ़, और 33वां जिला आपका शक्ति। ये आपका पाँचों जिला स्पर्श करता है किसको? रायगढ़ जिला को, ठीक है। एक राज्य भी स्पर्श करता है, राज्य याद रखना, राज्य। इसके पूर्व में उड़ीसा राज्य स्थित है, कौन सा राज्य? उड़ीसा राज्य स्थित है कहाँ? इसके पूर्व में, याद रहेगा, ठीक। अब देखो आप लोग को एक रोड बताया था, जांजगीर चांपा पढ़ा रहा था तो रोड, ठीक है, रोड याद रखना, रोड, हाँ रोड याद रखोगे आप लोग, NH 49, ठीक है। सीमावर्ती जिला में आप लोग को याद रहेगा, सीमावर्ती जिला 1, 2, 3, 4, 5 पांच जिला स्पर्श करता है, क्या क्या मैं लिख दिया हूँ देख लो, सारंगढ़, शक्ति, उसके बाद कोरबा, सरगुजा, जसपुर, और सीमावर्ती राज्य पूछ देगा तो उड़ीसा, याद रहेगा, याद करते चलो, यही पर याद करते चलना है। अब देखो उसके बाद नेशनल हाईवे 49 बताया था, जांजगीर चांपा, ये बिलासपुर आओगे फिर जांजगीर चांपा होते हुए आप लोग का, जैसे रायगढ़ में इंटर करोगे तो उससे पहले देखो रायगढ़ में इंटर करने से पहले आप लोग को एक जगह याद रखना है, बोतलदा, बी याद रखो, बी से बोतलदा, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे लंबी गुफा स्थित है बोतलदा में। बोतलदा के बाद याद रखोगे खरसिया, के से खरसिया, बी से बोतलदा, के से खरसिया याद रहेगा। उसके बाद एक यहाँ से नदी पार करोगे, एक नदी जो कि हमारा मेन पार्ट से उद्गम होता है मांड नदी, ठीक है, एक मांड नदी पार करोगे, मांड नदी के बाद आएगा आप लोग का रॉबर्टसन, क्या याद करोगे? रॉबर्टसन याद करोगे। रॉबर्टसन के बाद याद रखना है आप लोग को एस, ठीक है, उसके बाद भूपदेवपुर भी कर सकते हो, भूपदेवपुर, बी से याद रखना है भूपदेवपुर, बी से। देखो सबसे पहले हम लोग नेशनल हाईवे 49 पकड़ोगे तो जैसे ही रायगढ़ इंटर करोगे तो रायगढ़ से पहले क्या पड़ जाएगा आप लोग का? बोतलदा, बोतलदा के बाद खरसिया,
फिर उसके बाद नदी पार करोगे मांड नदी, मांड नदी पार करोगे फिर रावणसन, रावणसन के बाद आ जाएगा भूपदेवपुर, भूपदेवपुर के बाद एक और सिंघनपुर, एस एस से याद रखना सिंघनपुर, एस पी ये करो, चलो बी पी एस पी, बी पी से भूपदेवपुर, एस पी से सिंघनपुर याद रखोगे, सिंघनपुर हमारा पाषाणकालीन स्थल है ठीक। उसके बाद यहाँ पर याद रखना किरोड़ी मल, किरोड़ी मल ठीक है, राजा सेठ वहाँ व्यापारी थे, किरोड़ी मल उसी के नाम पर यहाँ पर जगह का नाम पड़ा है किरोड़ी मल। किरोड़ी मल के बाद आप लोग अपना यहाँ जिला याद रखोगे रायगढ़, क्या याद रखोगे रायगढ़, इस रोड के याद रखोगे ठीक है, के बी से बोतलदा, के से खरसिया, के बाद मांड नदी पकड़ोगे, मांड नदी के बाद आर से बी पी से एस पी से के एम से आर से रायगढ़ अपना जिला मुख्यालय, फिर रायगढ़ से आगे बढ़ोगे तो रायगढ़ के बाद फिर से आप लोग को मिल जाएगा कबरा पहाड़, कबरा पहाड़ ठीक है, कबरा पहाड़, फिर यही रोड आप लोग का निकल जाएगा इधर जसपुर, मतलब उड़ीसा साइड ठीक है, उड़ीसा साइड निकल जाएगा, फिर उड़ीसा से उतर आप लोग जसपुर पहुँच जाओगे नीचे में उसका ठीक है, ये निकल के आपका नेशनल हाईवे 40 उड़ीसा तक निकल जाता है। उसके बाद याद रखना है आप लोग को, देखो इधर आप लोग को बताया था बलौदा बाजार और रायपुर से एक छोटे से रोड बताया था नेशनल हाईवे 153, नेशनल हाईवे 153 नेशनल हाईवे ठीक है, जो कि हमारा सरईपाली ठीक है, सरईपाली बसना सारंगढ़ होते हुए सीधा ऊपर ऊपर चला जाएगा आपका हरदी, एच से याद क्या याद रखोगे हरदी, हरदी के बाद क्या याद रखोगे पुसौर, पी पी से याद रखोगे पुसौर, इसी पुसौर के पास आपका लारा एनटीपीसी स्थित है, क्या स्थित है लारा एनटीपीसी स्थित है ठीक है। उसके बाद पुसौर के बाद याद रखोगे ये आपका रायगढ़ पहुंच जाओगे ठीक। इसके बाद देखो ये नेशनल हाईवे 53 है अपना, नेशनल हाईवे 53 यहाँ पर हरदी पड़ता है ना, हरदी में आपका हवाई पट्टी, क्या याद रखोगे हवाई पट्टी याद रखोगे, नेशनल हाईवे 153 है ये, फिर पुसौर, इसी पुसौर के नीचे में एक जगह याद रखना कोड़ा तरई, क्या याद रखोगे कोड़ा तरई एक जगह है वहाँ का, कोड़ा तरई औद्योगिक क्षेत्र है, कोड़ा तरई याद रखना ठीक, कोड़ा तरई, कोड़ा तरई औद्योगिक क्षेत्र है। उसके बाद ये हो गया, फिर अपना पहुँच जाओगे रायगढ़, फिर रायगढ़ से होते हुए इधर ठीक है जसपुर निकल जाओगे, जसपुर रायगढ़ से ठीक। अब देखो एक रोड और बता रहा हूँ, स्टेट हाईवे है एक छोटे सा और रोड निकला है कोरबा, एक यहाँ से वन, जब बिलासपुर में थे हम लोग, बिलासपुर पढ़ा रहा था, बिलासपुर से एक रोड बताया था नेशनल हाईवे 130, नेशनल हाईवे 130 बताया था, वो कहाँ गया था बिलासपुर से कटघोरा गया था, कटघोरा कोरबा, फिर वहाँ से अलग एक छोटा सा रोड कट जाता है, इसी कटघोरा से एक छोटा सा रोड कट जाएगा जो कि जसपुर जाएगा और इधर सरगुजा भी चला जाता है ठीक है। देखो तो इसमें याद रखना है आप लोग को, सबसे पहले डी, डी से याद रखोगे धर्मजयगढ़, क्या याद रखोगे धर्मजयगढ़ ठीक है, चलो डी से याद रखोगे धर्मजयगढ़, धर्मजयगढ़ के बाद याद रखना है आप लोग को आगे बढ़ोगे तो एक जगह, क्या जगह याद रखोगे जी याद रखोगे, जी से घर घोड़ा, ये आप लोग का यहाँ कटघोरा था कोरबा में कटघोरा, और यहाँ मिल जाएगा आपको जी से घरघोड़ा, घरघोड़ा या घरघोरा ठीक है, घरघोड़ा याद रहेगा ठीक। इसके बाद जी से फिर यहाँ पर मिल जाएगा आपको टी फोर तमनार, क्या मिल जाएगा तमनार मिल जाएगा, फिर आगे बढ़ते चलेंगे इधर क्या मिल जाएगा एल फोर लैलूंगा, लैलूंगा देखो इस रोड को पकड़ना है आप लोग को, छोटे से रोड है ये, डी से धर्मजयगढ़, जी से टी से तमनार, एल से लैलूंगा ठीक है, टी से तमनार याद रखना, तमनार तमनार लैलूंगा ठीक है। फिर इसी धर्मजयगढ़ के नीचे में छोटे छोटे जगह याद रखना है आप लोग को, उंगना याद रखना है, उंगना, उंगना आपका पुरातात्विक स्थल है, प्राचीन पुरातात्विक, प्राचीन पुरातात्विक स्थल ठीक है, पाषाणकालीन स्थल है। उंगना के बाद आप लोग ना कर्मागढ़ याद रख लेना, कर्मागढ़, उसके बाद याद रखना बसनाझर,
ठीक है, और बहुत मिल जाएगा आप लोग को, भावर खोल मिल जाएगा, छापा मारा मिल जाएगा, ये सभी क्या है आपका पाषाणकालीन स्थल है ये, ठीक है, ये सभी याद रखना। फिर यहाँ पर देखो हम लोग इसी रोड में जब जाते हैं नेशनल हाईवे 49 में इसी के ऊपर में और मिल जाता है आपका ये यहाँ पर ऊपर में इसके 49 के ऊपर में कोसम नारा, कोसम नारा, कोसम नारा के बगल में मिल जाएगा आपको कापू, कापू, यहाँ पर महाशिवरात्रि में मेला लगता है, ठीक है। कोसम नारा हमारा सत्यनारायण बाबा का मंदिर स्थित है, कोसम नारा सत्यनारायण बाबा का मंदिर स्थित याद रखना, ठीक है, उतना याद रहेगा। या इसके बाद देखते हैं आप लोग को ये जो लेलुंगा है, लेलुंगा, लेलुंगा और ये जसपुर, इसी लेलुंगा के बगल में आपको एक पहाड़ी याद रखना है, क्या याद रखना है, ग्रीन कर दो तो देखो ये लेलुंगा के बगल में आपको याद रखना है पहाड़ी, ये जसपुर में भी थोड़ा सा फैला है ना, ये लेलुंगा की पहाड़ी याद रखोगे, नहीं क्या बोलोगे, लूड़े की पहाड़ी, लेलुंगा तहसील है एक, लेलुंगा तहसील के पास लूड़ेग, लूड़ेग की पहाड़ी, ये जसपुर में भी फैला है ना लूड़ेग की पहाड़ी, तो इसी लूड़ेग के पहाड़ी को टमाटर की मंडी कहते हैं, याद रहेगा। और इसी लूड़ेग के पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, ठीक है, एक नदी का उद्गम होगी ना, एक नदी की उद्गम होगी, वो भी कौन सी नदी, केलो नदी, केलो नदी रायगढ़ से होते हुए जाएगा और रायगढ़ शहर इसी के पास में बसा है आपका केलो नदी के पास, ठीक है। और ये जाकर के महानदी में क्या मतलब क्या हो जाता है विसर्जन, महानदी में जाकर ये विसर्जन होगा सारंगढ़ विलयगढ़ के पास, ठीक है, कौन सी नदी, केलो नदी, केलो नदी की लंबाई लगभग कितना है 100 किलोमीटर, ठीक है, 100 किलोमीटर याद रहेगा। इसी केलो नदी में आप लोग को एक बांध परियोजना मिल जाएगा, केलो परियोजना, केलो परियोजना, ठीक है, इसी केलो परियोजना, ठीक, इसका नाम अभी क्या रख दिया गया है, दिलीप सिंह जुदेव का, दिलीप सिंह जुदेव, कौन से नदी में, या महानदी के पास केलो नदी में, ठीक है, महानदी, अगर ये केलो नदी नहीं दिखेगा तो कौन सी नदी लेना है, महानदी लेना है, क्योंकि महानदी के पास में बसा है आपका दिलीप सिंह जुदेव केलो परियोजना, याद रहेगा केलो परियोजना, ठीक, केलो परियोजना इतना इतना याद रखना। फिर देखो यहाँ पर केलो परियोजना के बाद यहाँ पर याद रखना है आप लोग को बता दूँ जे एस पी एल याद रखना है, ठीक है, JSPL जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, ठीक है, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, ये हमारे छत्तीसगढ़ में मतलब पूरे एशिया में एकमात्र, पूरे एशिया में एकमात्र, एशिया का एकमात्र स्पंज आयरन, हाँ स्पंज आयरन का उत्पादन प्रोडक्शन करता है, ठीक है, एशिया का एकमात्र स्पंज आयरन का क्या करता है, उत्पादन करता है, ठीक है, JSPL, और इसका निर्माण हुआ था 1988, कब निर्माण हुआ था 1988 में, JSPL इसको पूछता है बार बार एग्जाम में ना, इसका निर्माण याद रखना है 1988। फिर यहीं पर रायगढ़ का जो किरोड़ी मल जाते हैं ना, इसी बगल में एक जगह और याद रखना, जूट मिल याद रखना, जूट मिल, जूट मिल, इसको बोल, इसका नाम है मोहन जूट मिल, क्या याद रखोगे, मोहन जूट मिल, मोहन जूट मिल का निर्माण हुआ था 1935 में, कब निर्माण हुआ था 1935 में इसका निर्माण हुआ था, मोहन जूट मिल का, मोहन जूट मिल का निर्माण हुआ था 1935 में, हमारे भारत का एकमात्र और छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल कहाँ है आपका रायगढ़, 1935 में इसका निर्माण हुआ है, जो कि हमारा छत्तीसगढ़ का प्रथम है, और अभी वर्तमान में यह बंद है, ठीक है, वर्तमान में भी यह मिल बंद है, ठीक है, याद रहेगा इतना। उसके बाद एक और याद रखना, यहाँ पर ओपी, ओम प्रकाश, ठीक है, ओपी जिंदल, ओपी पावर प्लांट जिंदल है, ओपीपी करके याद रखना, ओम प्रकाश जिंदल पावर प्लांट, और इसके इसी के नाम पर एक कॉलेज है, कौन सा कॉलेज, ओपी जिंदल, हाँ विश्व महाविद्यालय प्राइवेट है, ठीक, याद रहेगा इतना। चलो देखो इतना हो गया, अब देखते हैं इसके जगह हम विधानसभा क्षेत्र देख, ठीक है, रायगढ़ जिला देख रहे थे,
रायगढ़ जिला का निर्माण हुआ था 1948, ठीक है 1948। अब देखो ये रायगढ़ जिला, रायगढ़ जिला सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका मैप बना करके देख रहे थे, यह है इसका मैप, ठीक है रायगढ़ जिला। तो रायगढ़ जिला में सबसे पहले हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, सीमावर्ती जिला देख चुके हैं। अब देखते हैं तहसील, क्या देखते हैं तहसील, देखते हैं तहसील। देखो तहसील को यहाँ मुख्य रूप से मैं 7 तहसील बता रहा हूँ, अभी कई जगह घोषणा हो रहा है तो तहसील को हम लोग मुख्य रूप से नहीं देख सकते, फिर भी यहाँ कई कई जगह स्थित है तहसील को देखते हैं। यहाँ पर 7 तहसील याद रखना, 7 तहसील, ठीक है। इसका आप लोग को मैं ट्रिक के रूप में बताता हूँ, ट्रिक के रूप से याद रखना। देखो सबसे पहले याद रखना ट्रिक क्या है, के टी आर, ठीक है के टी आर याद रखोगे, फिर उसके बाद याद रखना एल जी डी पी, ठीक है के टी आर एल जी डी पी। यहाँ का तहसील भी है और विकासखंड भी है, ठीक है एक साथ लिखता हूँ तहसील और विकासखंड भी लिख देता हूँ, चलो ठीक ये तहसील भी है और विकासखंड भी है। चलो देखो केस याद रखोगे, यहाँ पर क्या बताया था खरसिया, ठीक है नेशनल हाईवे 49 में बताया था ना, यहाँ के फोर खरसिया, खरसिया टी फोर यहाँ बताया था तमनार, तमनार आर फोर रायगढ़ यहाँ बताया था आपका रायगढ़, एल फोर लैलूंगा, लैलूंगा कहाँ बताया था यहाँ, उसके बाद जी फोर क्या रखोगे यार, यहाँ पर बताया था घरघोड़ा करके, घरघोड़ा डी से याद रखोगे, यहाँ बताया था इसी रोड में धर्मजगढ़ करके, धर्मजगढ़ का प्राचीन नाम उदयपुर, धर्मजयगढ़। पी फोर पुसौर याद रखोगे, पुसौर पी फोर पुसौर, पुसौर यहाँ पर याद रखोगे पुसौर, ठीक है ये अपना 7 विकासखंड और 7 तहसील याद रहेगा, इतना याद रखना। उसके बाद याद रखना यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र, क्या याद रखोगे विधानसभा, विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र में कितने याद रखने हैं आप लोग को, 4 विधानसभा क्षेत्र याद रखो, 4 विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। सबसे पहले याद रखोगे ये पहला क्या याद रखोगे खरसिया, चलो दिखाओ तो ये तहसील याद रहेगा के टी आर एल जी डी पी, के से खरसिया, टी से आर से एल से जी से डी से और पी से, ये विकासखंड और तहसील दोनों हैं याद रहा कितना। अब देखो आप लोग विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र में 4 जगह याद रखना है, इसमें का पहला याद रखना है खरसिया, खरसिया की विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर उस समय हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम आईएएस अधिकारी आपका ओपी चौधरी कलेक्टर, ठीक है जो अभी तो इस्तीफा दे दिया है, तो ये अभी जो कि भाजपा की ओर से उठा था, तो यहाँ पर घमासान क्या हुआ था, युद्ध हुआ था कहना चाहिए, ठीक है वोटिंग के मामले में। तो इसके खरसिया विधानसभा क्षेत्र से 2 व्यक्ति प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे पर खड़े हुए थे, उमेश पटेल और ओपी चौधरी जी। तो इसमें याद रखना जो कि उमेश पटेल जी ने जीत हासिल करके यहाँ का विधायक बना है, तो यहाँ पर याद रखना उमेश पटेल विधायक, उमेश पटेल जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के 13 कैबिनेट मंत्री में से 1 कैबिनेट मंत्री आपका उमेश पटेल, ठीक है। दूसरा याद रखा, दूसरा विधानसभा क्षेत्र क्या याद रखोगे, रायगढ़ याद रख लो, ठीक है रायगढ़, रायगढ़ से रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से एक विधायक आप याद रखोगे
प्रकाश नायक, प्रकाश नायक याद रखना है। उसके बाद याद रखना तीसरा लैलुंगा, देख लेना लैलुंगा, लैलुंगा लैलुंगा एक आप लोग का क्या सीट है, एसटी सीट है, ठीक है एसटी सीट है। यहाँ लैलुंगा से क्या याद रखोगे, चक्रधर राजा, जो कि राजा चक्रधर उस समय प्राचीन नाम था, उसी के नाम पर एक आदमी है वहाँ का लैलुंगा का, चक्रधर, चक्रधर सिंह सिदार, चक्रधर सिंह सिदार कहाँ का विधायक है, लैलुंगा विधानसभा क्षेत्र से। चौथा याद रखना है धर्म जयगढ़, धर्म जयगढ़ का प्राचीन नाम था उदयपुर, इसी धर्म जयगढ़ से अभी विधायक है आपका लालजीत सिंह रतिया, याद रखना रतिया, ये रतिया एक जाति है, ठीक है एसटी, ये भी एक एसटी सीट है। ये चारों याद रहेगा, चारों विधानसभा क्षेत्र, ठीक है चारों विधानसभा क्षेत्र याद रखना। देखो यहाँ पर रायगढ़, रायगढ़ एक विधानसभा क्षेत्र है, दूसरा आपका हो जाएगा धर्म जयगढ़, तीसरा आपका लैलुंगा, चौथा आपका खरसिया, ये चारों आपका विधानसभा क्षेत्र। उसके बाद याद रखना है आप लोग को लोकसभा सीट, ये लोकसभा सीट भी है, कौन आपका रायगढ़, रायगढ़ लोकसभा सीट है, तो रायगढ़ से लोकसभा सीट से आपको याद रखना है सांसद, याद रखना है सांसद, सांसद कौन, गोमती साय जी, हमारे छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीट में से एक लोकसभा सीट आपका रायगढ़, रायगढ़ लोकसभा सीट से कौन है अभी विधायक सांसद, गोमती साय, याद रहेगा गोमती साय, ठीक। और बताओ तो कोरबा से, कोरबा लोकसभा सांसद से ज्योत्सना महंत, याद रहेगा ठीक। रायपुर से सुनील सोनी, ठीक है। तो ये सभी हमारा छत्तीसगढ़ के 11 सांसद सीटों में से अभी एक सांसद सीट याद रखना है आप लोग को रायगढ़, जो कि वहाँ का अभी सांसद कौन है, गोमती साय, ठीक याद रहेगा इतना, ठीक। ये हो गया आप लोग का तहसील विकास खंड और विधानसभा क्षेत्र। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं, विधानसभा क्षेत्र के बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर पहाड़ी पर्वत, देखो पहाड़ी, चलो पहाड़ी पर्वत और नदी देखते हैं, पहाड़ी पर्वत, पहाड़ी पर्वत में आप लोग को बताया था यहाँ पर क्या पहाड़ी बताया था, लूड़े की पहाड़ी, लूड़े की पहाड़ी याद रखना है। लूड़े की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होती है, कौन सी नदी, केलो नदी, ये केलो नदी की उद्गम होती है, ठीक है, और जाकर के इधर महानदी में मिल जाती है, ठीक है केलो नदी, केलो नदी, ठीक है। पहाड़ी पर्वत में पहला क्या बता दिया मैं आपका, लूड़े की पहाड़ी, और पहाड़ी है बहुत सारा, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से हाँ हाँ दूसरा भी याद रख लो, यहाँ पर बताया था रायगढ़ के बाद कबरा पहाड़, कबरा पहाड़ कौन से जिला में स्थित है, रायगढ़ जिला में स्थित है। यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे ज़्यादा शैलचित्र यहीं से प्राप्त हुए हैं, सबसे ज़्यादा प्राचीन शैलचित्र, सबसे ज़्यादा प्राचीन शैलचित्र यहीं से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जो कि कौन से कालीन का चित्र पर प्राप्त हुए, तो पाषाणकालीन, पाषाणकालीन याद रखना है, पाषाणकालीन के समय का सबसे ज़्यादा चित्र आपके खबरा पहाड़ से मिला है, ठीक है। और पाषाणकालीन यहाँ स्थित जगह याद रखना, देखा तो पाषाणकालीन घाटी, मतलब देखो पाषाणकालीन स्थल याद रखना, यहाँ पाषाणकालीन स्थल याद रखोगे तो पाषाणकालीन स्थल है, बहुत सारा जगह है यहाँ। सबसे पहले दो तीन जगह को भूलना मत कभी, पहला याद रखना है, देखो ये महानदी जो है ना, तो जहाँ महानदी है ये घाटी, ये महानदी घाटी पहला याद रखना, ये पाषाणकालीन स्थल है, महानदी घाटी पहला, महानदी घाटी याद रखोगे। दूसरा में याद रखना आप लोग सिंहनपुर, सिंहनपुर की गुफा। तीसरा में याद रखोगे आप लोग अभी क्या बताया, कबरा पहाड़। ये सभी कौन सा घाट है आपका, पाषाणकालीन स्थल है, जो कि यहाँ पर सिंहनपुर पर एक से आप लोग को क्या क्या प्राप्त हुआ है, घड़ियाल, छिपकली, लाल रंग के सभी के कलर से बना हुआ है, हजार साल लाखों पुराना, करोड़ों साल से पुराना चलते आ रहा है, अभी तक वो नहीं मिटा है, अभी जाओगे तो आप लोग को दिखने को मिल जाएगा, ठीक है ये याद रहेगा कबरा पहाड़। तो देखो एक व्यक्ति बता रहा हूँ आप लोग को,
पंडित लोचन प्रसाद पांडे। पंडित लोचन प्रसाद पांडे कहाँ है? बालपुर, जांजगीर चांपा जिला। अभी कहाँ आ गए? शक्ति जिला। ठीक है, तो शक्ति जिला के अंतर्गत एक गांव है बालपुर, उसी बालपुर में आपको मिल जाएगा एक व्यक्ति लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे ने एक बार घूमने का प्लानिंग बनाया, उसने घूमने का प्लानिंग बनाया तो वो घूमते घामते चला गया आपका रायगढ़। रायगढ़ के पहाड़ी में उसने घूमने गया, जैसे उसने रायगढ़ के पहाड़ी में आप लोग का कबरा पहाड़ गया, तो कबरा पहाड़ में जाकर घूम रहा था तो उसने देखा ये सिंघनपुर को जाकर, सिंघनपुर में देखा कि बहुत सारे चित्र हैं, बहुत सारे चित्र हैं। तो बहुत सारे चित्र है, देखता है मिटा करके देखता है, पानी बॉटल रखे उसमें पानी डालकर देखता है तो मिटता ही नहीं है। ठीक है, मिटता ही नहीं है तो क्या है मतलब, फिर वो जा करके मध्य प्रांत के समय जा करके बोलता है किसको, मतलब बड़े बड़े अधिकारी लोगों को बोलता है कि मैंने एक ऐसा ही स्थल देखा है जहाँ पर बहुत सारे प्राचीन चित्र मिला है, प्राचीन शैल चित्र मिला है और वो मिट नहीं रहा है करके। ठीक है, नहीं मिट रहा है करके। तो फिर वहाँ से एक व्यक्ति आता है एंडरसन। कौन सा व्यक्ति? एंडरसन। एंडरसन एक व्यक्ति आता है 1910 में, और जाकर किसने बताया? पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने जाकर बताया कि यहाँ पर चित रह करके। इसीलिए सबसे पहली बार चित रह करके बताया कौन? पंडित लोचन प्रसाद पांडे। इसलिए पंडित लोचन प्रसाद पांडे को छत्तीसगढ़ का प्रथम पुरातत्वेता या पुरातत्वविद बोलते हैं। ठीक है, इस क्योंकि पूरा पुरातात्विक स्थल के जगह हम चित्र बताया, तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे को क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का प्रथम पुरातत्वेता। हाँ, और प्रथम नाटककार भी है वो। ठीक है, क्यों जो क्या लिखा था? कलिकाल, पता है कलिकाल लिखा था ना। ये एंडरसन ने आया 1910 में, और उसने बताया, एंडरसन एक बहुत बड़ा इतिहासकार रहता है, ये बहुत देश विदेश से घूमा हुआ व्यक्ति है। एंडरसन आता है और यहाँ पर सिंघनपुर का कबरा पहाड़ पर आकर देखता है, सभी चित्र को देखता है, घड़ियाल का, लाल रंग का, जो कोई क्या कर रहा है, आखेट करता है शिकार को, सीढ़ी नुमा आपके मतलब मनुष्य एक दूसरे कतार पर खड़े हुए और शिकार कर रहे हैं, उस प्रकार सभी चित्र को देखता है। तो एंडरसन यहाँ पर सिद्ध कर देता है कि ये पाषाणकालीन स्थल है, यहाँ पर लोग पहले रहते थे, ये पाषाणकाल के समय कह करके। तो उसको सिद्ध कौन किया? एंडरसन। तो बोलते हैं कि सबसे पहली खोज किसने किया था? लोचन प्रसाद पांडे ने, पूरा पुरातत्व करके। ठीक है, लेकिन आप इसको सिद्ध पहले कौन किया आ करके? तो एंडरसन ने। तो यहाँ पर सबसे पहले साबित करने वाला मतलब पहला खोजकर्ता आप इसी को बोलेंगे, आप कहेंगे हम लोग वो तो जान तो गए पंडित लोचन प्रसाद पांडे, वो तो पुरातत्वेता है, अब जान गए तो। लेकिन हाँ, पुरातत्वेता लिखना, ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम पुरातत्वेता लिखना पंडित लोचन प्रसाद पांडे को, एंडरसन को लिखना वहाँ पर खोज। अब खोज किसने किया था, उस चित्र कैसा वैसा है करके। तो खोज किसने किया था? एंडरसन ने 1910 में। ठीक है, खोजकर्ता लिखना है एंडरसन 1910, पाषाणकालीन का। ठीक है, ये हो गया एंडरसन 1910 में, उसने सिद्ध करके बताया। एंडरसन याद रहेगा 1910। ठीक है, इतना ये पाषाणकालीन स्थल में याद रखना। इसके से छोटे छोटे जगह भी पा जाएगा, कर्मागढ़, छोटे छोटे जगह मिल जाएगा आप लोग को इसके पाषाणकालीन स्थल का, कर्मागढ़, भंवरखोल, छापामारा। ठीक है, ये सभी क्या है वहाँ का पुरातात्विक स्थल है ये। ठीक है, भंवरखोल, छापा मारा और क्या क्या है, सभी क्या लिखवाया था? और बसनाझार लिखवाया था जी, बसनाझार करके, ये बसनाझार, रेठी खोल, ये सभी क्या है वहाँ का पुरातात्विक स्थल है, प्राचीन काल पाषाणकालीन स्थल है वो सभी, याद रहेगा। ठीक, इसके बाद देखो हम लोग देखते हैं, इतना तो जान गए, पहाड़ी पर्वत जान गए, एक हाँ ठीक, एक और नदी बता दे रहा था यहाँ पर, ये नदी याद रहेगा आप लोग का, नदी में याद रखना, नदी में दो नदी जाए याद रखना मुख्य रूप से, पहला एक केलो नदी, केलो नदी पर क्या है आपका केलो परियोजना है, हाँ उसका, ठीक, उसका नाम क्या है, उसी का नाम दिलीप सिंह जुदेव। अगर आपको केलो नदी नहीं दिखेगा, केलो नदी में आप कौन सा नदी पर आकर मिल जाता है? महानदी। महानदी पर कौन सा अगर बांध बना है करके बोल देगा तो दिलीप सिंह जुदेव रायगढ़ में। ठीक है, लेकिन अभी केलो नदी दिया जाएगा तो केलो नदी पर बना है आपका दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। ठीक है, यहाँ पर एक झरना याद रखोगे, झरना राम झरना। ठीक है, क्या याद रखोगे? राम झरना एक आपका क्या है जी, दार्शनिक स्थल है, लोग वहाँ पर पिकनिक स्पॉट के रूप में जाते हैं, राम झरना। ठीक है, राम झरना याद रहेगा, राम झरना। ठीक है, राम झरना, इसको आप वाटरफॉल समझ लो,
ठीक है। केलो नदी, एक और नदी याद रखना, एक और नदी आपको सरगुजा, इधर सरगुजा के मेन पार्ट से एक और नदी निकलता है मान नदी, ये कहाँ जाकर मिल जाता है आपका महानदी, महानदी के चंद्रपुर में जाकर मिल जाता है, शक्ति जिला, शक्ति जिला के चंद्रपुर में जाकर के मान नदी मिल जाती है। तो मान नदी कौन सा नदी में जाकर, महानदी, उसी पर तीन नदियों का संगम होता है चंद्रपुर पे, मांड, लात और महानदी, तीनों नदियों के संगम पर बसा है आपका शक्ति जिला में क्या, चंद्रपुर, ठीक है, याद रहेगा ये मांड नदी, याद रखेगा रहना, याद रखना। इसी मांड नदी के पूरे घाट में क्षेत्र में, इसी एरिया में आप लोग को कोयला क्षेत्र मिलेगा, ठीक है, कोयला क्षेत्र है पूरा मांड, मांड घाटी, ठीक है, ये छाल आता है, छाल, मांड घाटी, खरसियाँ, ठीक है, मऊहा पाली, ठीक है, ये सभी कोड़ा तरई भी समझ लो, ये सभी क्या है आपका, मांड घाटी के पास बसा शहर है, इस पर पूरा कोयला क्षेत्र मिलेगा आपको, क्या, कोयला क्षेत्र, तो कोयला क्षेत्र में याद रखना, तो कोयला क्षेत्र, कोयला क्षेत्र में याद रखो, क्या क्या याद रखोगे, मान घाटी याद रखना पहले, जो पूरा मान घाटी जो नदी है ना, मान घाटी नदी, इसे जो घाट पड़ा है सब में कोयला क्षेत्र है, मान घाटी नीचे में मिल जाएगा आपको छाल, छाल, छाल के नीचे मिल जाएगा आपको मऊहा पाली, ठीक है, ये सभी क्षेत्र आपका क्या है जी, कोयला क्षेत्र है, ठीक है। और उधर यही ना, यही रोड से तो होकर जाते हैं, इसी इस बगल के नीचे में जो आप लोग को दीपका गेवरा बताया था ना कोरबा, इसी के नीचे में यही रोड है, इसीलिए तो कोयला का क्षेत्र पूरा फैला हुआ है छाल वाल में, घड़ घड़ घोरा के नीचे, याद रहेगा इतना। उसके बाद यहाँ याद रखना है आप लोग को, देख लेते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, देखो JSPL बता दिया, JSPL, ठीक है, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, ठीक है, यहाँ इसमें किसका निर्माण होता है, लौह इस्पात, और आपके, हाँ, हमारे एशिया का ये एकमात्र क्या है, आयरन स्पंज उत्पादन करने वाला प्लांट है ये, ठीक है, JSPL याद रहेगा, ठीक। अब देखो ये रोड को पूरा क्लियर कर दिया, अब यहाँ पर एक गुफा बताया था, बोतलदा, बोतलदा, बोतलदा हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे लंबी गुफा, छत्तीसगढ़ का सीजी के लिए लंबी गुफा, लंबी गुफा कौन, बोतलदा, ठीक है। रॉबर्टसन याद रखना, रॉबर्टसन यहाँ पर रेलवे आता है तो रुकता है वहाँ पर, रॉबर्टसन आपका रेलवे स्टेशन याद रखना, छोटा सा रेलवे स्टेशन रॉबर्टसन, ये रोड बता दिया हूँ पूरा याद रहेगा, ठीक है। यहाँ पर याद जान लो, देखो यहाँ पर आप लोग को बताया था OP जिंदल करके बता दिया था, अब यहाँ पर कॉलेज याद रखना, कॉलेज और विश्वविद्यालय याद रखना, कॉलेज शिक्षा, चलो देखो रायगढ़ में शिक्षा याद रखना है, शिक्षा पहले याद रखना आप लोग, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, ठीक है, पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़, कहाँ है जी, रायगढ़ में, याद रखना है शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, हमारे छत्तीसगढ़ का 9वां भी शासकीय विश्वविद्यालय बन गए, कौन सा नंबर का, 9वें नंबर का, ठीक है। ये शहीद नंद कुमार पटेल कौन है, जो नक्सली हमला में क्या हुआ था, शहीद हो गए थे, ये हमारा जो शहीद नंद कुमार पटेल है, अभी जो आपका जो 13 कैबिनेट मंत्रियों में से खरसिया विधायक, जो क्षेत्र जो खरसिया विधायक है ना, उमेश पटेल जी का ये क्या है आपका, पिताजी हैं, शहीद नंद कुमार पटेल पिताजी थे, ठीक है। इसी के नाम पर क्या है, अभी वहाँ का कॉलेज रख दिया गया है, एक नया कॉलेज बनाया गया है शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़, ठीक है। एक और कॉलेज याद रखना, वो प्राइवेट कॉलेज ओपी जिंदल विश्वविद्यालय, ओपी जिंदल विश्वविद्यालय याद रखेगा। तीसरा याद रखना आप लोग, एक चिकित्सा विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय याद रखना, स्व लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय याद रखना, चिकित्सा महाविद्यालय, ठीक है। ये यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में याद रखना है अपने रायगढ़ को, देखो ये अपना गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट स्व लखीराम अग्रवाल
स्मृति के में क्या चिकित्सा महाविद्यालय है ये, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग पुसौर, पुसौर में एनटीपीसी लारा याद रखना है, क्या याद रखोगे, एनटीपीसी लारा, एनटीपीसी लारा जो कि इसका क्षमता है आपका 4000 मेगावाट क्षमता है, मेगावाट क्षमता, लेकिन अभी वर्तमान में केवल दो यूनिट काम कर रहा है, 800 का 200 यूनिट काम कर रहा है, तो अभी केवल कितना उत्पादन कर रहे हैं, क्षमता उत्पादन कर पा रहे हैं, 1600 का उत्पादन कर पा रहा है अभी, ये विद्युत उत्पादन कर पा रहा है, ठीक है। एनटीपीसी लारा याद रखोगे, इसका निर्माण आप लोग को याद रखना है, बारे में देख रहे थे, एनटीपीसी लारा का निर्माण हुआ था 2013-14 याद रखना है, एनटीपीसी लारा का निर्माण 2013-14, ठीक है, और स्टार्ट इसका काम हुआ था 2018-19 याद रखना है, 2018-19 में इसका काम निर्माण प्रारंभ हुआ, और ये हमारा छत्तीसगढ़ का नवीनतम आपका एनटीपीसी है और सबसे ज़्यादा क्षमता वाला एनटीपीसी लारा रायगढ़ याद रखना है, ठीक है। आप लोग एक हरदी बताया था ना, हरदी हवाई पट्टी, हरदी हवाई पट्टी सारंगढ़ के अंतर्गत आता है, ठीक है, सारंगढ़ और रायगढ़ दोनों के मध्य में बसा है, कौन, हरदी हवाई पट्टी, सारंगढ़ के में भी आता है ना, हरदी हवाई पट्टी याद रखना है इसको, हरदी हवाई पट्टी को, ठीक है, सारंगढ़ के पास बसा है ये, कौन, हरदी पट्टी, मतलब हरदी हवाई पट्टी याद रहेगा। उसके बाद देखो आप लोग को JSPL बताया था, JSPL का निर्माण हुआ था 1988, ठीक है ना। आपको एक और यहाँ पर याद रखना है मोनेट, क्या रखना है, यहाँ पर मोनेट स्टील प्लांट, पावर प्लांट, मोनेट स्टील पावर प्लांट याद रखना है, जिसका निर्माण हुआ था 2000 में, इसका निर्माण हुआ था 2000 में, इसका भी एक शाखा है रायपुर मंदिर हसौद में, मोनेट का याद रहेगा ये, ठीक। इतना अभी हमें रायगढ़ जिला के बारे में मुख्य रूप से इतना जानना अनिवार्य है, ठीक है, मोटी मोटा इतना हमें याद करना जरूरी है किसके बारे में, चलो रायगढ़, तो रायगढ़ जिला में यहाँ मुख्य रूप से मेला याद रखना, मेला क्या याद रखोगे, मेला, तो मेला याद रखना है यहाँ जन्माष्टमी के दिन रायगढ़ में मेला लगता है, मेला लगता है, ठीक है। और यहाँ पास आप लोग को एक व्यक्ति पर्सनैलिटी याद रखना है, राजा चक्रधर याद रखना है आप लोग को रायगढ़ जिला में, राजा चक्रधर एक तबला वादक है, कौन है, राजा चक्रधर एक तबला वादक और ये सुप्रसिद्ध है आप लोग के लिए, संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, संगीत सम्राट के नाम से भी प्रसिद्ध है आपका, कौन, राजा चक्रधर सिंह। इसी राजा चक्रधर सिंह के नाम पर यहाँ पर एक मेला भी लगता है, ठीक है, मेला कब लगता है, मेला गणेश चतुर्थी के दिन प्रत्येक वर्ष यहाँ क्या लगता है, मेला लगता है राजा चक्रधर के स्मृति में, याद रहेगा इतना, ये राजा चक्रधर याद रखना है, मेला याद रखना है, मेला में यहाँ पर सबसे बड़ा मेला जन्माष्टमी के दिन का मेला याद रखना, ठीक है। कोसम नारा में सत्यनारायण बाबा को याद की स्मृति में उसके में सत्यनारायण बाबा के मतलब उपलब्ध में समारोह होता है, महाशिवरात्रि मेला लगता है उसी दिन, कब महाशिवरात्रि मेला लगेगा आप लोग का, कोसम नारा में सत्यनारायण बाबा के जहाँ पर बैठे हैं वहीं पास, ठीक है। उसके बाद याद रखना है एक और मेला, कापू में भी महाशिवरात्रि का मेला लगता है, कापू याद रखना है, ये मेला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे रायगढ़ जिला में, ये याद रखना है। राजा चक्रधर को नहीं भूलना, इसे राजा चक्रधर के उसमें क्या देते हैं, राजा चक्रधर के याद में और पुरस्कार भी दिया जाता है कला एवं संगीत के क्षेत्र में, ठीक है, क्या दिया जाता है, पुरस्कार भी दिया जाता है, याद रहेगा इतना, शहीद राजा चक्रधर से याद रखना है। उसके बाद इसकी इसी के नाम पर क्या है, ये राजा चक्रधर आपका तबला वादक संगीत सम्राट है, और इसी के गणेश चतुर्थी के दिन इसी के याद में क्या लगता है, मेला लगता है, ठीक है, इतना याद रहेगा रायगढ़ जिला के बारे में, ठीक। हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेला लगता है ना यहाँ, बहुत मेला लगता है आपका रायगढ़ जिला में, बहुत बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला हमारे रायगढ़ जिला में यहीं पर होता है, ठीक है, याद रहेगा रूप से इतना जानना अनिवार्य है आज के लिए इतना, ठीक है, मोटी मोटा इतना हमें याद करना जरूरी है किसके बारे में, रायगढ़ जिला के बारे में। जब आप लोग को शिक्षा, खनिज और जब पढ़ाऊँगा नदी नाला और सब क्या बोलते हैं जनजाति, तब जाकर के सबको अलग से और मैं डील करूँगा, अभी अभी जिला परिदर्शन में रायगढ़ जिला के बारे में इतना ही जानना क्या आप लोग के लिए अनिवार्य है, समझ रहे हो, ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।